Welcome you all the online video lecture series of PPC production planning and control. Today we are going to start our syllabus with unit number one, that is the basic knowledge of or basic uh, consideration of PPC, uh, basic importance of PPC and a production planning control system. Okay. So today we are going to see in our first lecture is the definition of ppc production planning control the objective of production planning control and the functions of production planning control okay so we are going to start now what is the exact meaning of ppc what is the exact function and objectives of the ppc okay so we are going to start now just wait just a minute just a minute students okay here, here we go as you see on your screen there is a definition of ppc so uh, there is a uh, there are many people who study who standardized? Who researched about the uh, now uh, different things regarding production, different things regarding PPC, and different uh, things regarding control systems used in a industry. So they come to know at a certain point, and they define the PPC. They define the production planning and control in their own language. Here, you, if you see the Samuel in e. defining. In his own language, that the PPC is defined as the highest efficiency in a production is obtained by manufacturing the required quantity of the product of the required quality at the required time by the best and cheapest method. Hopefully, you got it or hopefully, you understand, but I, I try. टू in इन in आवर नॉर्मल लैंग्वेज ओके तो स्टूडेंट समझ लीजिए इनका कहना क्या है कि सैम्यूएल इलियन e. का बेसिक चीज़ क्या कहना है तो हम सैम्यूल इलियन को साइड में रखते हैं हम समझ लेते हैं कि अपने लैंग्वेज में व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का ये जो तीन अलग अलग चीज़ें हैं इनको एक साथ लाने की ज़रूरत क्यों गिरी और ये एक साथ लाने के बाद इसका इफेक्ट क्या गिरेगा तो वो हमें पढ़ना है तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन फर्म के अंदर जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट दिखेंगे जैसे आपको दिखेगा डिजाइन डिपार्टमेंट अलग रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा क्वालिटी एंड चेक यानी जिसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हम कहते हैं वो एक अलग रहेगा इन्वेंटरी डिपार्टमेंट अलग रहेगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा फिर आपका ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट अलग रहेगा स्टोर डिपार्टमेंट अलग रहेगा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है लेकिन ये क्या करते हैं अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं तो ये अपने अपने हिसाब से जब स्टैंडर्ड से काम करते हैं तो होता है क्या कि नंबर ऑफ़ चीज़ें ना मिस होनी स्टार्ट हो जाती है नंबर ऑफ़ चीज़ें एक दूसरे के साथ तो जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मिस हो जाता है तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है और उसमें ना मिस इंटरसेप्शन की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो भी काम है वो वैसे ही वैसे ही पेंडिंग रह जाता है तो ये चीज़ें ना हो इसलिए क्या किया गया कि ये तीनों चीज़ों को प्रोडक्शन को प्लानिंग को और कंट्रोल सिस्टम को एक अंडर रूफ लेके आए हैं और उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है कि उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए तो उसको हम कहते हैं पी, -पी तो पी, -पी का मेन चीज़ क्यों है इनको एक साथ क्यों लाया कि इनका कहना क्या है कि पी, -पी जब आप एक साथ काम करके लग, पी, -पी में जब आप काम करोगे यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के अंडर जब काम होगा तो वो क्या करेगा आपका जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसकी इफिशियंसी क्या रहेगी एकदम हाइएस्ट रहेगी जो भी प्रोडक्ट रहेगा जब भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप तो वो उसकी इफिशियंसी एकदम हाईएस्ट रहेगी, और वो क्या करेगी कि आपको रिक्वायर्ड जो भी आपको दिया हुआ टाइम है दिए हुए क्वालिटी और दिए हुए क्वांटिटी और दिए हुए टाइम के अंदर आप जब प्रोडक्शन बना के दोगे आपके प्रोडक्ट का आपके ऑर्डर का तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर तरीके से पी पी समझ में आ रहा है जब भी कोई भी आपको कंपनी में ऑर्डर दिया दिया जाएगा तो वो एक ऑर्डर जब भी देता है तो वो क्या करता है आपको कि एक अमाउंट एक भी बोलेगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ये क्वालिटी के क्वालिटी के इतने अमाउंट के यानी इतने क्वांटिटी के प्रोडक्ट मुझे बना के दो और इतने टाइम के अंदर मुझे बना के दो मान लो कि एक महीने के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे बना के दो तो जब आप वो फुलफ़िल करते हो कब करोगे जब अंडर पी जब आप फुलफिल करोगे तो उसको हम पीपीसी कहते हैं यानी प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के हिसाब से आपने उसको बना के दिया उसको हम कहते हैं पीपीसी तो समझ में आया कि आप भी जब भी कोई भी प्रोडक्ट को बना के दोगोगे है। उसके हाईएस्ट इफ़िशेंसी के ऊपर और रिक्वायर्ड टाइम के अंदर रिक्वायर्ड क्वालिटी के अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर जब बना को बना के दोगे तो उसको हम कहते हैं पीपीसी यानी अंडर पी पी सी हम उसको बना के दे सकते तो उसका डिफिनेशन ये कहते हैं सैम्यूल इलियोन ठीक है Ilyon, तो ऐसे नंबर ऑफ डिफिनेशन है लेकिन उसमें जाके कन्फ्यूजन होने से अच्छा है कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो पी पी सी का डिफिनेशन होता है होगा ठीक है ना तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है जो भी पी पी सी का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्टिव यानी क्या किसकी ज़रूरत क्या है ये पी पी सी एग्जैक्टली किस क्यों वर्क करेगा किस लिए वर्क करना चाहिए क्या इसका काम क्या है तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पीपीसी का कि टू डिज़ाइन अ सिस्टम एंड प्लान बाय विच प्रोडक्शन में बी कैरीड आउट समझ में आ रहा है टू डिज़ाइन डिजाइन करना यानी क्या जैसी आपको बताया कि मैंने कि आपको प्लानिंग डिजाइन करना यानी क्या आपको उसका एक सिस्टमेटिक वे बनाना पड़ेगा पीपीसी क्या करता है आपको कोई भी प्लानिंग करने के लिए कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए प्लानिंग करने के लिए हेल्प करेगा कि आपका प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए किस तरीके से उसकी डिज़ाइन करनी चाहिए आपने डिज़ाइन करना यानी ड्राइंग करना नहीं यहाँ पे आपको आपका प्रोसेस जो रहेगा फॉलो जो करना है आपको जो प्रोसेस वो किस तरीके से करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट क्या करना पड़ेगा सेकंड पॉइंट क्या करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट क्या करना पड़ेगा तो इसको हम कहेंगे डिज़ाइन तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हेल्प कौन करेगा पी, -पी करेगा देन जो भी आप प्लान कर रहे हो जो भी प्रोडक्शन का जिस तरीके से फिर आपको आगे काम करना पड़ेगा उस प्लानिंग को भी हेल्प करेगा कोर पीपीसी कि की आपका जो भी सिस्टम है और जो भी प्लान है वो डिजाइन करने के लिए आपको पीपीसी हेल्प करेगा फॉर प्रोडक्शन करने के रिगार्डिंग ठीक है देन सेकंड है टू एंश्योर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यानी आपके पास जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वो कैसे यूज़ की जाती है या इफ़िशियटली कैसे यूज़ की जाएंगी इफेक्टिवली कैसे यूज़ की जाएंगी ये भी आपको हेल्प करेगा पीपीसी आपके पास नंबर ऑफ़ इन मशनरीज रहेंगे जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अपने कॉलेज के इसमें जाओगे वर्कशॉप में तो आपको नंबर ऑफ अलग अलग मशीनरीज़ uh, दिखेंगी तो वो मशीनरीज का कैसा यूज़ करके लेना चाहिए और किस तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स पे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम तो ये भी आपको पी हेल्प करता है देन थर्ड पॉइंट है उसका ऑब्जेक्टिव जो टू कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑबियस चीज़ है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नंबर ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आपके इंडस्ट्री के अंदर और वहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होता नहीं तो उसकी वजह से क्या होता है मिस इंटरफेयर होता है मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है फिर कम्युनिकेशन uh, नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लैक्स वहाँ पे आते हैं और आपके प्रोडक्शन या जो भी रहेगा वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आपको दिखते हैं तो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इंडस्ट्री के ऊपर होता है तो वो ना हो इसलिए क्या किया जाता है कि पी आपको एक सिस्टम बना के देंगे कि जिसके अंदर आप क्या करते हो कि नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके कोरिलेशंस अच्छे रहेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहेंगे और वो किस तरीके किस बेसिस पर रहेंगे तो वो भी आपको वो प्लान करके देगा कि जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो और ये सारे जो एरर्स क्रिएट हो रहे थे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्लानिंग और वॉट तो वहाँ पे आपका ये मिस अंडरस्टैंडिंग या जो भी लूफोल्स uh, थे वो लूफोल्स वहाँ पे ना हो ये भी आपको वहाँ पे पी आपको हेल्प करता है टू मेनटेन द एडिक्वेट बट नॉट एक्सेसिव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स यानी आपने तो रॉ मटेरियल मंगा लिया बहुत सारा लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये किसको पता है ये नहीं पता है तो फिर आपको कितना टाइम का कितना स्टॉक लाना पड़ेगा लाना चाहिए कि कहाँ पे स्टोर करना चाहिए सेम थिंग आप जब प्रोडक्शन में लेते हो तो वहाँ पे भी कितना स्टॉक uh, मटेरियल से मटेरियल बाहर प्रोडक्शन के लिए लाना चाहिए कहाँ पे रखना चाहिए सेम एग्जैक्टली एंड के टाइम पे भी आपको देखना पड़ता है कि फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट जो है तो कितना प्रोडक्ट हो चुका है तो कितने को स्टोर करना पड़ेगा कितने को आपको डिस्पैच करना पड़ेगा किस मीडिया से डिस्पैच करना पड़ेगा जैसे बाय रोड करना है बाय एयर करना है बाय वॉटर करना है तो यह भी आपको हेल्प करता है पीपीसी उसके अंदर डिलीवरी किस तरीके से आपको करनी चाहिए ठीक है ना देन फिफ्थ पॉइंट इज टू एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम जैसे इनिशियल पॉइंट पे आपने डेफिनेशन में देखा कि पीपीसी क्या कहता है कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है प्रोडक्ट वो उतनी ही क्वांटिटी में दिए हुए क्वांटिटी में दिए हुए क्वालिटी में और दिए हुए टाइम में ही बनाने को हेल्प करेगा तो ये आपका पीपीसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है देन है टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यानी क्या फ्लेक्सिबिलिटी यानी जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते करते कि आपको कुछ तो सडन चेंज करने पड़ेंगे या सडन चेंज करने ही ज़रूरी है तो उस टाइम पे वो उतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपका प्रोडक्शन लाइन कि जहाँ पर आप हल्का सा भी चेंज करेंगे तो वो मशीनरीज या वो जो भी आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर टूल्स या वॉटवर वो इतने फ्लेक्जिबल होने चाहिए कि उन्होंने वो चीज़ें वहाँ के वहाँ पे चेंज होने के लिए अलाउ करनी चाहिए तो ये भी आपको पी पी सी वहाँ पर इंश्योर करता है कि ये वो करके देंगे यानी वो हेल्प करेंगे देन टू कोऑर्डिनेट लेबर मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन द मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमी मैनर यानी क्या कि लेबर है मशीनरीज है इक्विपमेंट्स है ये ये जो अवेलेबिलिटी है इनकी और ये इनकी इनके अंदर का जो क्यों रिलेशन रहेगा यानी क्या कि मैन पावर नहीं है लेकिन मशीन्स और टूल्स तो अवेलेबल है लेकिन मैन पावर है तो टूल नहीं है मशीन तो अवेलेबल है लेकिन मैन पावर भी है टूल भी है लेकिन मशीन अंडर मेंटेनेंस है तो वो वर्क नहीं कर रही तो ये सारी चीज़ें ना हो तो ये भी इसके लिए भी आपको पीपीसी एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके देता है प्लान करके देता है कि ये चीज़ें हुई भी तो किस तरीके से उसको सॉल्व रिजॉल्व करेंगे और ना भी हुई तो अगर होने वाली होगी तो उसको भी किस तरीके से आप उसको प्लानिंग कर सकते हो तो इसको भी हम एक नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं देन आप आप अगर देखोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव है जो पी आपको हेल्प करती है टू डिज़ाइन करना और प्लानिंग करना ठीक है ना तो ये तो होगा आपके ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग पी पी सी होपफुली समझ में आऊँगा अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल फंक्शंस यानी क्या जैसे ऑब्जेक्टिव था कि जो आपको बोल रहा है कि प्री प्लान करो प्री प्लान करो यानी क्या जो फ्यूचर में आपको जो करना है उसके पहले प्लान करो कि आपको इस तरीके से काम करना है तो वो आपको जाके आपको रिजल्ट देगा तो ये तो प्री प्लान था लेकिन आपको फंक्शन क्या कहता है पीपीसी का कि ये एक्चुअल वर्क करेगा फंक्शंस ऑफ पीपीसी यानी क्या ये एक्चुअल वर्क करेगा किस तरीके से वर्क करेगा? तो वो वर्क के लिए उन्होंने तीन कैटेगरी दी हुई है फर्स्ट कैटेगरी आपकी प्लानिंग फेज एक्शन फेज एंड थर्ड वन इज अ फॉलो अप और कंट्रोल फेज तीन फेज समझ में आ रहे हैं आपको प्लानिंग फेज यानी प्लानिंग फेज में फेज में यानी क्या कि आप इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट आप प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से आपको काम करना है किस बेसिस पे काम करना है आपका फ्लो किस तरीके से रहेगा तो वो रहेगा आपका प्लानिंग फेज सेकेंड रहेगा एक्शन फेज एक्शन फेज में क्या रहेगा कि जो एक्चुअल वर्क एक्जैक्टली एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कहो एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम का वर्क का हो तो जो भी रहेगा वो जो एक्चुअल ऑन फील्ड वर्क होगा तो वो किस तरीके से रहेगा इन एनी एनी मैटर इन एनी रिगार्डिंग मैनर कि वो शिपमेंट का भी कहो वो क्वालिटी चेक का भी कहो वो मैन्युफैक्चरिंग का भी कहो वो आर एंड डी डिपार्टमेंट का भी रहो लेकिन वो एक्चुअल फेज में एक्चुअल वर्क किस तरीके से होगा वो एक्चुअल एक्शन फेज में देखा जाएगा एंड देन फॉलो अप एंड कंट्रोल फेज यानी जो आपने प्री डिफाइंड किया हुआ प्लानिंग था तो उसके रिगार्डिंग सब चीज़ें हो रही है कि नहीं तो वो हम फॉलोअप में देखेंगे या कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे उस फेज के अंदर वो देखा जाता है तो ऐसे तीन मेन फंक्शंस होते हैं आपके पीपीसी के होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको अब आप हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखा देखेंगे कि पीपीसी का तीन फेज किस तरीके से रहते हैं तो जैसे प्लानिंग फेज में आप प्लानिंग फेज में अगर आप देख रहे हो कि प्रायर प्लानिंग यानी इनिशियल प्लानिंग फर्स्ट प्लानिंग उसमें क्या किया जाता है फोरकास्टिंग की जाती है ऑर्डर राइटिंग की जाती है प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है आ रहा समझ में ये तीन चीज़ें किस में की जाती है आपके प्लानिंग फेज के अंदर प्लानिंग फेज के अंदर समझ में आ रहा है आपको प्लानिंग फेज के अंदर क्या क्रिया किया जा रहा है फोरकास्टिंग किया जा रहा है फोरकास्टिंग यानी क्या वही चीज़ की फ्यूचर में आपका काम किस तरीके से होगा तो उसको प्री प्लान कहेंगे हम उसको प्री प्लान कहेंगे और वो प्लानिंग आप क्रिएट करते हो बनाते हो उसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग जो इस्टीमेशन रहेगा उसके अंदर वो दिखाया जाएगा इकोनॉमिकली कहेगा वो कहाँ कहा जाएगा या क्वालिटी वाइज कहा जाएगा या क्वांटिटी वाइज कहा जाएगा उसको उसको चेक किया जाएगा तो वो वो प्री डिफाइंड किया जाएगा या प्री प्लान किया जाएगा उसको कहते हैं हम फोरकास्टिंग देन ऑर्डर राइटिंग जो रहता है ऑर्डर राइटिंग यानी क्या प्रिपरेशन ऑफ वर्क और ऑथोराइजेशन यानी क्या कि आपको आपका ऑर्डर किस तरीके से काम करना है आपको ऑर्डर किस तरीके से देना है सामने वाले को ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंटेशन लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से भी रहेगा ऑर्डर रहेगा किसी चीज़ का किसी तो किसी को ऑर्डर देना है तो आप वो लीगल वे में किस तरीके से देंगे तो उसको हम ऑर्डर राइटिंग कहते हैं ये भी आपका एक प्लानिंग फेज के अंदर काम करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन यानी प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी आपको आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करना है किस बेसिस पे काम करना है उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो किस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अंडर काम करना चाहिए तो ये सारे चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी और उसके बाद आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ मुझे फर्स्ट थिंग ये करनी पड़ेगी इसका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा एक्स वाई जेड चीज़ रहेंगी सेकंड एक स्टेप एक्स वाई जेड चीज़ रहेंगी थर्ड एक्स वाई जेड चीज़ रहेंगी और इस स्टेप वाइज उसको जाना पड़ेगा और उसको काम करना पड़ेगा यानी उसका स्टार्टिंग टू आर डिपार्टमेंट टू डिस्पैच तक आपको उसका एक स्पेसिफिकेशन मेंटेन करना पड़ता है डिफाइन करना पड़ता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कहते हैं ठीक है देन आते हैं हम एक्शन प्लान के ऊपर अब एक्शन प्लान क्या रहता है कि एक्शन प्लान भी आ, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड किए गए जैसे आप प्रोसेस प्लानिंग होती है प्रोसेस प्लानिंग में क्या होता है कि आ, जब भी आप मटेरियल uh, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी काम करते हैं तो उसके लिए जो भी प्रोसेस रहेंगे जो भी प्रोसेस फॉलो करने है फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग के पास आप देखते हो कि कितने नंबर ऑफ़ मशीनरीज अवेलेबल है कितने नंबर ऑफ़ मैन पावर अवेलेबल है और कितने नंबर ऑफ़ uh, मेरे पास टूल्स अवेलेबल है तो रॉ मटेरियल तो ऑब्वियस आपके पास अवेलेबल है ही तो वो रॉ मटेरियल के थ्रू आपको जो ऑपरेशंस करने हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस सीक्वेंस ऑफ मशीनरीज आपको प्री प्रीडिफाइंड करनी पड़ती है और प्रोसेस प्लानिंग के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल में आ, कंट्रोल आना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस प्लानिंग हो रहा है अरे समझ में तो ये चीज़ें होती है आपकी प्रोसेस प्लानिंग के अंदर और मोस्टली <coughs> हेल्प क्या करता है आपको कि सेलेक्ट करने में आ, आपको ज़्यादा हेल्प करता है कि कौन सा आपको मशीन सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा इक्विपमेंट आपको ज़रूरी है तो वो चीज़ें इसके अंदर आपको दिखने को मिलेंगी इसको कहते हैं हम प्रोसेस uh, प्लानिंग जिसके अंदर हम रोटिंग रोटिंग भी वही रहता है कि किस तरीके से किस वर्क स्टेशन के थ्रू आप काम करोगे पहला वर्क स्टेशन क्या रहेगा सेकंड क्या रहेगा थर्ड क्या रहेगा फोर्थ क्या रहेगा वो रहेगा आपका रोटिंग देन सेकंड है आपके एक्शन प्लान के अंदर ही जो सेकंड बिट है आपका वो मटेरियल कंट्रोल जैसे मैंने आपको बोला था इन्वेंट्री कंट्रोल यानी आपके पास स्टोर में कितना आ, ये है मटेरियल uh, अवेलेबल और आपके पास फिनिश uh, गुड कितना अवेलेबल है तो उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ किए करेंगे तो वो हम इस मटेरियल कंट्रोल के अंदर देखते हैं अब जैसे इसमें देखा गया है कि टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑपरेशन विल स्टार्ट ऑन टाइम इट इंक्लूड्स यानी आपका अगर प्रोडक्शन है जो ऑन टाइम स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कंसिडेशन करने को बताया कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स यानी क्या आपका जो भी मटेरियल उसका डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे अवेलेबल कितनी क्वालिटी क्या क्वालिटी उसकी रहेंगी वो एक मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम कंट्रोल करते हैं देन क्वांटिटीज एंड अवेलेबिलिटी भाई जो मैंने अभी कहा था कि वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है आपके पास मटेरियल डिलीवरी डेट क्या रहेगी तो अगर डिलीवरी डेट की रिगार्डिंग आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा वो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा वो प्रोसेस करनी पड़ेगी फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा रिडक्शन क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप सौ प्रोडक्ट एक घंटे में इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में डालते और उसमें कितने चीजें कितने प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यार यार इतने इतने प्रोजेक्ट कैसे कैसे प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है फिर रिजेक्ट करना किया हुआ प्रोडक्ट की रियूज करना है या स्क्रैच स्क्रैप में डालना है वो भी आपको वहां पे कंट्रोल करना पड़ता है या करेंगे या हेल्प होंगी उसके अंदर तो ये चीजें इसके हम मशीन कंट्रोल मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं देने टूल कंट्रोल टूल कंट्रोल क्या कहता है आपको कि ये जो भी रहेगा कि आपको नया टूल लाना है या ऑलरेडी आपके पास एक टूल का जिग्स एंड फिक्सर बनाना है ये आपकी इकोनॉमी पे ही मैटर करता है कि आपकी इकोनॉमी पे मैटर क्या करता है कि अगर आपके पास नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए कुछ नए मीन्स मटेरियल आपको ज़रूरी है इक्विपमेंट जरूरी है कि इसके लिए जिग्स एंड फिक्चर ज़रूरी लाना तो वो वो आपको ना न्यू कॉस्ट देनी पड़ेगी नहीं इसके लिए या फिर यही नंबर ऑफ टाइम पे सेम प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करता रहना है करता रहना है तो आपको एक जी के एग फिक्सर फाइनली बनाना पड़ेगा तो वो भी आपको यहाँ पे टूल कंट्रोल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वही सेम चीज़ें कि उसका स्टोरेज किस तरीके से रहेगा उसका मेंटेनेंस किस तरीके से रहेगा किसका टूल का क्या टूल यानी क्या सिर्फ आप वर्क करते हो टूल नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीनरीज यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स जिसको कहते हैं हम उसको हम उसको भी हम टूल्स कहते हैं वो भी उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है तो वो हम टूल कंट्रोल के अंदर कंसिड्रेशन करते हैं देन लोडिंग अब कितनी लोडिंग करनी है आपको कितनी अनलोडिंग करनी है जिस तरीके से आपको अगर काम दिया गया है असाइन किया गया है वर्क फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग तो वो 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 भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि भैया मुझे मेरे नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल है और नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो मुझे किस तरीके से मेरे काम को प्लानिंग करनी पड़ेगी फिर फर्स्ट शिफ्ट वाइज करोगे आप फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट नाइट शिफ्ट ये इसके रिगार्डिंग ये लोडिंग में आपको वो हेल्प होती है देन स्केड्यूलिंग जैसे मैंने आपको बोला था स्केड्यूलिंग क्या रहता है कि डिटर्मिनेशन वन द वर्क इज टू बी डन जैसे अभी कहा था कि कब आपका काम होना है और कितने वक्त में होना है ये भी आपको आपके फंक्शंस ऑफ पी के अंदर आपको दिखता है शेड्यूलिंग करना ठीक है देन आते हैं हम एक्शन फेज़ के अंदर अभी अब तक हमने क्या देखा था प्लानिंग फेज फर्स्ट प्लानिंग फेज आप देख रहे हैं हम एक्शन फ्लेज एक्चुअल वर्क होता है ऑन दी फील्ड एक्शन फ़ेज़ में तो एक्शन फेज में क्या होता है डिस्पैचिंग करना यानी आपका जो भी सेलेक्टेड इंस्पेक्शन के बाद जो भी सलेक्टेड मटेरियल रहेगा उसको पैकेजिंग की जाती है पैकेजिंग करने के बाद उसको डिस्पैच किया जाता है एक अथॉरिटी दी रहती है जो उसको डिस्पैच करेंगी फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कहाँ पर डिस्पैच हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है उसका सीरीज क्या है उसका नंबर क्या है और किस मीडिया से या किस थ्रू किस वे से वो डिस्पैच किया जा रहा है रोड कर रहे हैं बाय एयर कर रहे हैं, बाय वाटर कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्पैचिंग के अंदर होती है जो ऑन फील्ड वर्क की जाती है एंड देन थर्ड होता है आपका कंट्रोल फेज़ जो आखिरी फेज होता है आपका फंक्शन का फंक्शन ऑफ पीपीसी का वो है आपका कंट्रोल फेज यानी फॉलोअप यानी इसमें जैसे देखा गया कि इसमें क्या देखा जाता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि आपका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है आपका प्रोग्रेस या प्रोसेस दोनों भी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है कि जो प्री डिफाइंड किया गया था आपका प्लानिंग कि इस प्लानिंग के हिसाब से काम होना चाहिए तो वो काम उस प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम इस एक्शन फेज में देखते हैं या इस कंट्रोल फेज सॉरी इस कंट्रोल फ़ेज़ के अंदर देखते हैं कि जहाँ पे आप जो भी प्री प्रीडिफाइंड कि, किया हुआ डेटा था वो प्रॉपर वे में सही में जा रहा है नहीं जा रहा है या फिर उसको कंट्रोल करना जरूरी है नहीं है या उसको ये फीडबैक सिस्टम की जैसे काम करता है कि आपका वर्क हो रहा है प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं तो वो फीडबैक सिस्टम वापस इनिशियल पॉइंट पर जाएगी और वहाँ पर से वो चीज़ें रेक्टिफाई करके वापस मॉडिफिकेशन होकर वो काम किया जाएगा तो इस, इसके लिए कंट्रोल फ़ेज़ बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि ये फेज ऑब्वियसली दो चीज़ों से ही दो कैटेगरी से काम करता है एक है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और एक है करेक्टिव एक्शन जैसे मैंने आपको कहा था प्रोग्रेस करते जाएगा यानी वो काम कर रहा है तो वो देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा और वहां पे कुछ लूफोल होगा तो करेक्टिव एक्शन के अंदर आएगा वहाँ पर करेक्शन होगा यानी फीडबैक दिया जाएगा फिर वापस वो जो भी गलतियाँ हो रही है वहाँ पर वो करेक्ट किया जाएगा ठीक है तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे दैट्स इट तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ पी देखा फिर देन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ पी देखा और फंक्शंस ऑफ पी देखा तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स होंगे तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए कॉल कीजिए और कोई सजेशंस भी रहेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए ठीक है दैट्स इट्स फॉर टूडेज़ लेक्चर बी सेफ थैंक यू